अनैतिकता से दूर भागे। अनैतिकता पर जय पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और उसका उल्लेख 6:18 में किया गया है, व्यभिचार से भागो। बाइबल यथार्थवादी है और वह जानती है कि लैंगिक प्रलोभन कितना शक्तिशाली होता है। जब पोतीपर की पत्नी द्वारा यूसुफ को प्रलोभित किया गया तो वो भाग गया। अगर आप नहीं भागेंगे और वहीं रहकर अपने आप को उस प्रलोभन का निशाना बनने देंगे तो आप निश्चित जान लें कि देर सवेर आप उसमें गिर ही जाएंगे। अगर आप ये देखें कि एक बातचीत, एक मित्रता या एक संबंध एक खतरनाक दिशा में बढ़ने लगा है और अगर आप अपना जीवन और सेवकाई बर्बाद नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, मुड़कर भाग जाए, वहां से दूर निकल जाए। अगर आप इस सलाह को ग्रहण नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं और फिर पूरे आनंद में पछताते रहेंगे कि आप क्यों नहीं भागे थे। ये बात इतनी गंभीर है। इस संदर्भ में पौलुस ने इससे बचने के लिए विवाह कर लेने के बारे में बात की। 7:2, ये सच है कि अविवाहित रहने से आपके पास प्रभु की सेवा करने के लिए ज्यादा समय होगा, लेकिन क्योंकि जगत में इतनी ज्यादा अनैतिकता है और अब तो ये और भी सच है, इसलिए हर एक पुरुष की अपनी पत्नी और हर एक स्त्री का अपना पति हो। 7:2, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि विवाह करने का ये कोई आत्मिक तरीका नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पवित्र आत्मा ने कही है कि विवाह हमें व्यभिचार से बचा सकता है। इसलिए अति आत्मिक बनने की कोशिश न करें, पवित्र आत्मा से ज्यादा आत्मिक। अगर आप आत्म संयम न रख सके तो विवाह कर ले। 7:9, ये एक सामान्य बात है कि ज्यादातर पुरुषों की किशोरावस्था जब पूरी होने लगती है तो उनमें बड़ी तीव्र लैंगिक अभिलाषा जागृत होती है और उनमें से ज्यादातर में उस पर प्रबल होने का आत्म संयम नहीं होता। इसलिए ऐसे प्रलोभन की आग से बचने के लिए विवाह कर लेना ज्यादा अच्छा है। बाइबल बहुत व्यावहारिक है, वह हमें एक तपस्वी जैसा जीवन जीना नहीं सिखाती जिससे हमें किसी जंगल में या मठ में रहना पड़े। हमें संसार के बीच में रहना है और सभी मनुष्यों की तरह विवाह करना है। हनोक के लिए लिखा है, हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा और उसके पुत्र और पुत्रिया हुए। उत्पत्ति 5:22। हम भी एक सामान्य विवाहित जीवन जी सकते हैं और हमारे भी पुत्र और पुत्रिया हो सकते हैं और इसके साथ ही हम परमेश्वर के साथ भी चल सकते हैं। विवाहित लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनका विवाह होते ही वे अपनी देह पर अपना अधिकार खो देते हैं। भारतीय संस्कृति में मैंने ये पाया है कि स्त्रियों को ये बात खास तौर पर समझने की जरूरत होती है। हमारी कलीसियाओं में इसके बारे में ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती, हालांकि पवित्र शास्त्र इस विषय में स्पष्ट बात करता है, फिर भी प्रचारक इस पर बात करने से लज्जाते हैं। पति को अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और पत्नी को अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 7:3-4, यहाँ एक पति पत्नी के लैंगिक संबंध को जिम्मेदारी कहा गया है। इसमें लज्जित होने जैसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी जिम्मेदारी है जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करना। एक बार जब एक स्त्री का विवाह हो जाता है तब उसकी देह पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब उसकी देह उसके पति की है। विवाह होने से पहले वह उसकी थी, लेकिन अब वह हर समय उसके पति की है। पति ये सुनकर बहुत हर्षित हो सकते हैं,
लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है। एक पति को भी उसकी देह पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि उसकी पत्नी को होता है। ये सिर्फ लैंगिक संबंध के बारे में ही नहीं है। पति इस क्षेत्र में तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हर समय तैयार रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि अब आपकी आंखें और आपकी जीभ भी आपके पत्नी की है। जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखें, तो याद रखिए कि आपकी आंखें अब आपकी पत्नी की है। दूसरी स्त्रियों से बात करते समय ये याद रखें कि अब आपकी जीभ आपके पत्नी की है। आप स्त्रियों से बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक चंचल या चुलबुले अंदाज में नहीं। मसीह में बहुत सी छुपी हुई अनैतिकता होती है, प्रचारकों और पास्टरों में भी। जो बातें सुनने में आती है वे तो एक बड़े रोग के मामूली लक्षण के समान होती है। बहुत कुछ छुपा ही रहता है, लेकिन इस अनैतिकता की शुरुआत कहां से होती है? ये भटकने वाली आंखों और हृदय से शुरू होती है। और तब जब एक व्यक्ति दोस्ती के खतरे भरे रिश्तों से भागता नहीं है, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर पौलुस जैसे कुछ लोगों को एकाकी जीवन जीने के लिए बुला सकता है। पौलुस कहता है, मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य ऐसे ही हो जैसा मैं स्वयं हूं। 7:7 पौलुस ने अपने लिए परमेश्वर की इस इच्छा को स्वीकार किया कि वह एकाकी जीवन व्यतीत करे, लेकिन वह ये समझता था कि ऐसी बुलाहट वाले लोग बहुत कम होते हैं। पौलुस सुसमाचार के लिए अविवाहित रहा। अपनी इतनी सारी यात्राओं के बीच वह शायद एक परिवार नहीं चला पाता, लेकिन समय बदल गया है। आज एक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर पृथ्वी के दूसरे छोर पर पहुंच सकता है और इसी रफ्तार से वापस अपने घर भी लौट सकता है, जबकि पौलुस के दिनों में 50 किलोमीटर का सफर करने में भी पूरा दिन बीत जाता था। ऐसे प्रेरितों के लिए, जिसकी सेवकाई एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, एक परिवार की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इस वजह से ही पौलुस और बरनबास जैसे प्रेरित एकाकी थे और दूसरे प्रेरित अपनी पत्नियों को साथ ही रखते थे। पौलुस द्वारा अविवाहित रहने की बात को प्रोत्साहित करने का दूसरा कारण सताव था। सताव के समयों में विवाहित होना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पहली शताब्दी के ऐसे हालातों में पौलुस ने यह कहा था, एक पुरुष के लिए अविवाहित रहना अच्छा है। ये हो सकता है कि आज भी कुछ जगहों में ऐसी परिस्थितियां हो, लेकिन वे दुर्लभ है, शायद 1% से भी कम मामलों में होगी। पौलुस द्वारा लोगों को अविवाहित रहने पर विचार करने के लिए उत्साहित करने का मुख्य कारण ये था कि फिर वे प्रभु की सेवा में निर्विघ्न लगे रह सकते थे। 7:35 इसलिए उसने कहा, हम संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हो मानो वे उसमें लिप्त नहीं है, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 7:30-31 ऐसे समय होते हैं जब हमें रोना पड़ता है, लेकिन हमारा रोना हम पर हावी न हो जाए, हमें उसमें से निकलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इसी तरह हमारे सांसारिक वस्तुओं के आनंद से हमें ऐसी उत्तेजना से नहीं भर जाना चाहिए कि वे हमारे मनों पर इस तरह कब्जा जमा ले कि वे प्रभु के लिए हमारी सेवा में बाधा बन जाए। हमें उत्तेजित करने वाली बातों में से जल्द ही बाहर निकलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप विवाहित भी हो तो आपकी पत्नी और आपका घर आपका सब कुछ न बन जाए। 7:29 प्रभु के लिए कुछ काम करना है और प्रभु के प्रति आपकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रभु आपके जीवन में प्रथम स्थान पर रहे। मैं चाहता हूं
कि आप यहाँ एक और महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान दें। पौलुस ने ये दो बार कहा, मैं अविवाहितों से कहता हूँ, प्रभु नहीं, मैं कहता हूँ। प्रभु की ओर से मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली, परंतु मैं अपनी सम्मति देता हूँ। 7वां अध्याय वचन 8, 12 और 25। उसने प्रभु की आज्ञाओं और अपने व्यक्तिगत मत के बीच फर्क बनाए रखा। परमेश्वर के सेवक होते हुए ये बात जरूरी है कि प्रचार करते समय हम ये बात स्पष्ट करते रहे, हमारे मत व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें लोगों के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं लेकिन हमारे व्यक्तिगत मत है। 7:40 पर भी ध्यान दे, मेरे विचार से मुझमें भी परमेश्वर का आत्मा है। 7:40 यह पौलुस की गहरी नम्रता और दीनता को देखें। उसका मत एक ईश्वरीय मत था, लेकिन उसमें ऐसा अहंकार नहीं था जैसा आजकल ये कहने वालों में होता है। प्रभु यूं कहता है, जो व्यक्ति ये कहता हो प्रभु यूं कहता है, उसकी सुनने के बजाय मैं ऐसे व्यक्ति की बात सुनना ज्यादा पसंद करूंगा जो ये कहता हो, मेरे विचार से मुझमें भी परमेश्वर का आत्मा है। 56 सालों से जब से मैं विश्वास में हूँ, मैंने ये पाया है कि जब कोई ये कहता है प्रभु यूं कहता है, तो उसमें से प्रभु बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है, वह सिर्फ अपनी सोच समझ में से बोल रहा होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये कहने की हद तक दीन हो जाता है, मेरा विचार है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, तो ये ज्यादा संभव है कि वह बात परमेश्वर के मन की अभिव्यक्ति हो। एक परिपक्व मसीही। अध्याय 8 में पौलुस उस खतरे की बात करता है जिसमें हमारी आजादी दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। उन दिनों बाजार में बिकने के लिए आने वाला सारा मांस पहले मंदिरों में मूर्तियों को अर्पित किया जाता था, इसलिए जो लोग इस बात से ठोकर खा रहे थे उन्होंने शाकाहारी होने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी थे जो ये कहते थे, मूर्ति क्या होती है, सिर्फ एक लकड़ी जिस पर मुंह बनाया हुआ है। अगर वो मांस पहले उस लकड़ी के सामने रख दिया गया था तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ एक परमेश्वर में विश्वास करता हूँ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है, इसलिए मैं इस मांस के लिए धन्यवाद देता हूँ और इसे खाता हूँ। पौलुस यहाँ कहता है कि हर एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के दृष्टिकोण का आदर करना चाहिए और अपना दृष्टिकोण उस पर थोपना नहीं चाहिए। ये उसके रोमियो 14 की शिक्षा के समान ही है। यह भारत में जब दिवाली एक हिंदू त्योहार पर आपके पड़ोसी आपको मिठाई देते हैं, तो ये हो सकता है कि वो पहले एक मूर्ति के सामने रखी गई हो। तब हमें क्या करना चाहिए? पौलुस आगे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 25 से 28 मैसेज बाइबल में कहता है, मांस की दुकान में जो भी मिलता है उसे खाए, हर एक वस्तु का मूर्ति परीक्षण नहीं करना है, ये पृथ्वी और इसमें जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। इस सब कुछ में बकरे की वह टांग भी शामिल है जो मांस की दुकान में है। अगर एक अविश्वासी आपको आमंत्रित करता है और आपकी जाने की इच्छा है तो जरूर जाए और आनंद मनाए, जो कुछ आपके सामने रखा जाए वो खाए। ये शिष्टाचार और आत्मिकता दोनों के खिलाफ होगा कि आप खाने के लिए परोसी गई हर एक वस्तु के बारे में जानना चाहे कि वह जातीय तौर पर शुद्ध है या नहीं। दूसरी ओर अगर वह खुद ही आपको बताए कि ये उस देवी या उस देवता को बलि चढ़ाया गया था, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि वह वस्तु कहां से आई है,
लेकिन वो इस बात को अनदेखा नहीं कर रहा है। आप ये नहीं चाहेंगे कि इस बात में किसी के मन में कोई संदेह पैदा हो जाए कि आप किसकी आराधना करते हैं। यह अध्याय 8 में पौलुस कहता है कि ये मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम है। पद 1। ज्ञान लोगों को इस तरह घमंडी बना सकता है कि फिर वे दूसरों को नीचा समझने लगे और कहे, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम एक लकड़ी से डरते हो। लेकिन ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति में कोई प्रेम न हो। अगर उसमें प्रेम होता तो वह दूसरे विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बनने के प्रति चिंतित होता। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग मूर्ति पूजा में से निकल कर आए हैं, उन्होंने इन लकड़ियों को वर्षों तक ईश्वर माना है और इसलिए उनका विवेक उन्हें विचलित करता है। आपका विवेक आपको विचलित नहीं करता क्योंकि आपकी वह पृष्ठभूमि नहीं है। सावधान रहो, ऐसा न हो कि आपकी यह आजादी कमजोर लोगों के लिए ठोकर का कारण बने। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए अगर भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। 8:9-13। कोई भी परिपक्व मसीही अपना ऐसा ही मनोभाव बना लेगा। इस बात को हम अपने समय काल में लागू करके देखें। बाइबल ये नहीं कहती कि अगर आप थोड़ा सा दाक मधु लेते हैं तो वह पाप है। बाइबल सिर्फ ये कहती है कि आपको पीकर मतवाला नहीं होना है। लेकिन मान लीजिए कि एक दूसरा विश्वासी आपको थोड़ा सा दाक मधु पीते हुए देखता है। आपके अंदर ये आत्मसंयम हो सकता है कि आप थोड़ा सा ही दाक मधु पिए। लेकिन जब वह आपके जैसे एक ईश्वरीय भाई को दाक मधु पीते हुए देखता है तो वह भी वैसा ही करता है, लेकिन उसमें आपके जैसा आत्मसंयम नहीं है और वह ज्यादा और ज्यादा पीने लगता है और एक शराबी बन जाता है और आखिर में नर्क में चला जाता है। उसे नर्क के रास्ते पर किसने डाला? आपने। तो एक ईश्वरीय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे इस थोड़े से दाक मधु के आनंद का भी इनकार कर देना चाहिए। वह अपने आप से ये नहीं पूछता, एक स्वकेंद्रित विश्वासी की तरह, ये सही है या गलत? नहीं, वह अपने आप से एक उच्च स्तर का सवाल पूछता है, क्या मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनूंगा? इसलिए वह अपने पूरे जीवन भर दाक मधु का सेवन नहीं करेगा। ये प्रेम है। और जब ऐसा आत्मत्याग दूसरे लोगों के जीवन बचाकर उन्हें नर्क में जाने से रोक लेता है तो एक ईश्वरीय व्यक्ति ऐसा आत्मत्याग करके प्रसन्न होता है। इस सिद्धांत को दूसरी बातों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी के घर जाए और आपको ये पता चल जाए कि उस घर का पुरुष वह मौजूद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा यही होगा कि आप भीतर न जाए। इसलिए नहीं कि आप उसकी पत्नी की वजह से परीक्षा में पड़ेंगे या वो परीक्षा में पड़ेंगी। आप बिल्कुल अच्छी आत्मिक बातें कर सकते हैं, लेकिन अपनी साक्षी बनाए रखने के लिए और दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनने के लिए आप पूरी तरह शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपका अनुसरण करने द्वारा पाप में गिर सकता है और वह आपको देखकर ही भटका है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप प्रेम के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो आपको हर समय दूसरे लोगों की फिक्र रहेगी। अपने ज्ञान के घमंड में रहना और अपनी मनमानी करना और इस बात में कोई दिलचस्पी न रखना कि इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मूर्ति पूजक विधर्मियों या नास्तिक के जीने का तरीका है। जब आप अपने निर्बल भाइयों के लिए ठोकर का कारण बनते हो तो मसीह के विरुद्ध पाप करते हो। 8:12।
अध्याय 9 आजादी के बारे में है। क्या मैं भी प्रेरित नहीं हूँ? मुझे दूसरे लोगों की तरह क्यों अपनी जीविका अर्जित करनी पड़ती है? मुझे ही क्यों अविवाहित रहना है? पौलुस के अलावा बाकी सभी प्रेरित विवाहित थे। 9:5 इसलिए जब एक कलीसिया ये सिखाए कि प्रभु की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को अविवाहित रहना चाहिए, तो उस कलीसिया के सदस्य होने के लिए ज्यादातर प्रेरितों को अयोग्य ठहरा दिया जाता। पत्रस और यूहन्ना ऐसी कलीसिया के सदस्य नहीं हो सकते थे क्योंकि वे विवाहित थे। सिर्फ इस बात से ही ये प्रमाणित हो जाना चाहिए कि ये गलत शिक्षा है। ये कैसी कलीसिया है जिसमें प्रेरित भी शामिल होने योग्य नहीं है? एक और बात जो कुछ कलीसियाओं में कही जाती है वो ये है कि अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको सांसारिक नौकरी नहीं करनी चाहिए। फिर तो पौलुस और बर्नबास दोनों ही अयोग्य ठहरते, क्योंकि दोनों ही सांसारिक कामकाज करने द्वारा अपनी जीविका अर्जित करते थे। 9:6 पत्रस और यूहन्ना का खर्च दूसरे विश्वासियों द्वारा दी जाने वाली भेंटों से चलता था, लेकिन पौलुस और बर्नबास अपनी जीविका खुद अर्जित करते थे। तो आप एक ऐसे प्रेरित हो सकते हैं जो सांसारिक काम धंधे द्वारा अपनी जीविका अर्जित कर सकते हैं, या आपकी देखभाल दूसरे विश्वासियों द्वारा की जा सकती है। एक प्रेरित के रूप में आप विवाहित हो सकते हैं या अविवाहित हो सकते हैं। विवाह और सांसारिक काम धंधा आपको प्रेरित होने से नहीं रोक सकते। फिर पौलुस प्रभु के सेवकों की आर्थिक देखभाल के विषय पर आता है। परमेश्वर कहता है, दावनी में चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना। 9:9 ये पुरानी वाचा का नियम था। जब एक बैल अन्न की दावनी करता था, तो कुछ स्वार्थी और कठोर किसान उसका मुंह बांध देते थे। इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि बैल का मुंह नहीं बांधना है। पौलुस कहता है, तुम क्या सोचते हो कि परमेश्वर को सिर्फ बैलों की फिक्र है? ये हमारे लिए भी लिखा गया है। 9:10 ये बात हमें ये सिखाने के लिए लिखी है कि जो प्रभु की सेवा करते हैं, हमें उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए कि वे रोटी खा सके और अपने परिवारों की देखभाल कर सके। पौलुस आगे कहता है, जबकि हमने तुम में आत्मिक बातें बोई हैं, तो क्या ये बड़ी बात है कि हम भौतिक वस्तुओं की फसल तुमसे प्राप्त करें? जो हमें आत्मिक भोजन खिलाते हैं, हमें उनकी आर्थिक रूप में देखभाल करनी चाहिए। पौलुस यहाँ प्रभु के एक सेवक द्वारा धन इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद खरीदने की बात नहीं कर रहा है। नहीं, वो प्रभु के एक सेवक द्वारा उसकी जरूरतें पूरी करने लायक धन पाने की बात कर रहा है कि वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन बहुत से प्रचारकों ने प्रभु के इस प्रावधान का दुरुपयोग करते हुए अपने लिए बहुत सा धन अर्जित कर लिया है। प्रभु ने ये आदेश दिया है कि वे जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 9:14 जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें ये अधिकार है कि वे उन विश्वासियों से उपहार भेंट स्वीकार करें जिन्हें उनकी सेवकाई का लाभ मिलता है। गलातियों 6:6 मैं इस क्षेत्र में मसीह जगत में दो विपरीत बातें देखता हूँ। इसके एक छोर पर वे प्रचारक हैं जो इस शिक्षा का शोषण करके अपने लिए बहुत सा धन अर्जित करते हैं, और अक्सर उन विश्वासियों से जो उनसे बहुत गरीब है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी ओर ऐसे विश्वासी है जो कंजूस है और जो परमेश्वर के वचन द्वारा उनकी लगातार सेवा करने वालों के प्रति अपने आर्थिक ऋण को कभी नहीं समझ पाते। ये सिद्धांत सिखाने के बाद पौलुस ने फिर कहा, मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अब तुम मेरे लिए ये सब करो। मैंने तुम कुरिन्थियों के वासियों से
कभी कुछ नहीं लिया है। मैं अपने हाथों से अपनी जीविका अर्जित करता हूँ। पौलुस इस बात में बहुत सचेत था कि उसे किससे पैसा लेना चाहिए और किससे नहीं। उसने फिलिपी की कलीसिया से आर्थिक भेंट स्वीकार की थी, फिलिपियों 4:14-18। लेकिन उसने कुरिन्थुस, इफिसुस और थिस्लुनिके के लोगों से कभी एक पैसा भी नहीं लिया था। 2 कुरिन्थियों 11:7-9, प्रेरितों 20:33-34, 2 थिस्सलुनीकियों 3:7-9। पौलुस किसी ऐसे नियम के अनुसार नहीं जीता था जो ये कहता हो कभी किसी विश्वासी से धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, और न ही ऐसे नियम के अनुसार जीता था जो ये कहता था हर एक विश्वासी से धन स्वीकार कर लेना चाहिए। जब भी उसे कोई भेंट दी जाती थी, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई की बाट जोहता था कि वह उस भेंट को स्वीकार करे या न करे। परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक यही करेगा। पौलुस के ऐसा करने के ठोस कारण थे। सबसे पहले वो कहता है, मैं ये इसलिए करता हूँ कि मैं सुसमाचार मुफ्त में दे सकूं। 9:18। जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, उन्हें ये मालूम रहे कि उन्हें सुसमाचार सुनने की कोई कीमत नहीं चुकानी है। मेरे पूरे जीवन भर जितनी भी सार्वजनिक सभाओं के आयोजकों को मैं अपने स्तर पर कह सकता था, मैंने उन्हें हमेशा दान इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि उस भीड़ में अविश्वासी हो सकते हैं और उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए एक पैसा भी देने की जरूरत है। यीशु और प्रेरितों का यही नियम था। उन्होंने अपनी किसी सभा में कभी दान इकट्ठा नहीं किया। हमने भारत में अपनी सभी कलीसियाओं में शुरू से ही इस नियम का पालन किया है, क्योंकि हमारे विश्वासी अपने साथ कलीसिया में उनके दोस्तों को, अविश्वासियों को सुसमाचार सुनने के लिए लाते हैं। सिर्फ विश्वासियों को ही परमेश्वर के काम के लिए आर्थिक सहयोग देने का अधिकार है, अविश्वासियों को ये अधिकार नहीं है। देखिए 3 यूहन्ना 7। अंतिम दिन कोई अविश्वासी प्रभु से ये न कहने पाए, प्रभु तू मुझे नरक में कैसे भेज सकता है, जबकि मैंने तेरे काम के लिए धन दिया था और तेरे सेवकों ने उसे स्वीकार किया था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अनेक संगठन और प्रचारक ये परखे बिना सबसे धन ले लेते हैं कि वे नया जन्म पाए हुए हैं या नहीं। अगर आप ऐसे प्रचारक हैं, तो उस दिन प्रभु आपसे पूछेगा, तूने एक ऐसे व्यक्ति से पैसा क्यों लिया जो मेरी संतान नहीं है। पौलुस ने कुरिन्थियों के मसीहों से क्यों आर्थिक भेंट स्वीकार नहीं की थी, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उन्होंने उसकी प्रेरिताई पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और पौलुस ऐसे लोगों से कभी आर्थिक मदद स्वीकार नहीं कर सकता था जो उसकी सेवकाई स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हर एक प्रचारक को ऐसा ही दृढ़ रहना चाहिए। पौलुस फिर अपनी देह वश में रखकर अनुशासित करने की बात करता है, जिससे कि वह औरों का प्रचार करके स्वयं अयोग्य न ठहरे। 9:24-27। सुलेमान ने पवित्र शास्त्र की 3 पुस्तकें लिखी, लेकिन वह फिर भी नर्क में चला गया। ये सभी प्रचारकों के लिए एक चेतावनी है। प्रेरित पौलुस को उस व्यक्ति को जिसने अनेक कलीसियाएं स्थापित की, पवित्र शास्त्र लिखा, बीमार चंगे किए, मुर्दे जिंदा किए और अनेक अद्भुत उपदेश दिए, ये डर था कि वह फिर भी अयोग्य ठहर सकता है। इसलिए उसने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को अपने वश में रखा। ये कल्पना कभी न करे कि क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत इस्तेमाल किया है, इसलिए वो आपको अवश्य ही उसके राज्य में ले लेगा। पौलुस का ऐसा विचार नहीं था।
परमेश्वर प्राथमिक तौर पर हमारी सेवकाई को नहीं, हमारे जीवन को देखता है। चेतावनियां और दिशा निर्देश। अध्याय 10 में पौलुस इसी विषय वस्तु को जारी रखता है और विश्वासियों को उन 600,000 इजरायलियों का उदाहरण देता है जो मेमने के लहू द्वारा छुड़ाए गए थे, लेकिन जब परमेश्वर उनसे अप्रसन्न हो गया तो उसने उन्हें कनान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, उनका जंगल में ही नाश हो गया। पौलुस कहता है कि यही आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए उदाहरण स्वरूप लिखा गया है। 10:6 फिर हम परमेश्वर की ये अद्भुत प्रतिज्ञा पाते हैं, परमेश्वर हमें कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। 10:13 हमारे जीवन में ऐसी कोई परीक्षा कभी नहीं आएगी जिसे हम निपट न सके। इससे ही हमें ये आश्वासन मिलता है कि हम हर एक प्रलोभन पर प्रबल हो सकते हैं और हर एक परीक्षा में जय पा सकते हैं। ऐसा कभी न कहे कि कोई प्रलोभन या कोई परीक्षा आपके सहने से ज्यादा हो गई है। अगर आप ये कहते हैं तो असल में आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य नहीं है और वह झूठा है। हर एक प्रलोभन में से बच निकलने का रास्ता है और यही परमेश्वर से जय पाने के लिए कृपा मांगना है। 10:31 में हमें अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में जहां बाइबल खामोश है मार्गदर्शन देने वाला एक अद्भुत दिशा निर्देश मिलता है। तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब भी आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई संदेह हो तो अपने आप से पूछे, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये कर सकता हूँ? अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर सकते तो वो न करें। हमारे जीवन भर ये वचन हमारे जीने का सिद्धांत होना चाहिए। अध्याय 11 दो बातों के बारे में बात करता है, सिर ढकना और रोटी तोड़ना। एक पुरुष को कलीसिया में प्रार्थना या नबूवत करते समय क्यों सिर नहीं ढकना चाहिए और एक स्त्री को क्यों सिर ढकना चाहिए, इसके तीन कारण दिए गए हैं। 1, प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। 11:3 क्योंकि मसीह हर एक पुरुष का सिर है और कलीसिया में मसीह को नहीं ढकना चाहिए, इसलिए कलीसिया में पुरुष को सिर नहीं ढकना चाहिए। लेकिन पुरुष क्योंकि स्त्री का सिर है इसलिए पुरुष को कलीसिया में ढापना चाहिए, इसलिए स्त्री को अपना सिर ढापना चाहिए। इसके अलावा पुरुष परमेश्वर का प्रतिरूप और महिमा है लेकिन स्त्री पुरुष की महिमा है। 11:7 परमेश्वर की महिमा को कलीसिया में नहीं ढापना चाहिए, इसलिए एक पुरुष को अपना सिर नहीं ढापना चाहिए लेकिन स्त्री पुरुष की महिमा है, इसलिए उसे अपना सिर ढापना चाहिए। अपना सिर न ढापने द्वारा एक पुरुष ये साक्षी देता है और अपना सिर ढापने द्वारा एक स्त्री ये साक्षी देती है। एक पादरी जो कलीसिया में अपने सिर पर टोपी पहनता है वो उतना ही गलत है जितना एक स्त्री का उसका सिर न ढापना। 2, अगर एक स्त्री के बाल लंबे हैं, तो ये उसकी महिमा के लिए है। 11:15 सभी स्त्रियां ये जानती हैं कि उनके बाल उनकी सुंदरता उनकी महिमा का हिस्सा होते हैं और कलीसिया में स्त्री की महिमा उसके बालों को ढापना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों की महिमा ढापने की जरूरत है। 3, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के लिए उचित है कि वह अधिकार के इस चिन्ह को अपने सिर पर ओढ़े। 11:10 अपना सिर ढापने द्वारा एक स्त्री ये दर्शाती है
कि वह पुरुष के अधिकार की अधीनता में रहती है, अपने पति या अपने पिता के अधिकार। और अगर वह अनाथ या विधवा है तो कलीसिया के प्राचीनों के प्रति वह उन स्वर्गदूतों की तरह विद्रोही नहीं है जिनका पतन हुआ था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय नगरों की कलीसियाओं में पश्चिमी देशों के प्रभाव ने इस शिक्षा को दूषित कर दिया है। लेकिन पौलुस ये कहते हुए इस बारे में अपनी बात पूरी करता है, लेकिन अगर कोई विवाद करना चाहे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये परमेश्वर की हरेक कलीसिया की प्रथा है और मैं इस मामले में कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता। 11:16। लेकिन इस भाग से ये स्पष्ट है कि कलीसिया में स्त्रियां प्रार्थना और नबुवत कर सकती है। स्त्रियों पर कलीसिया में जिन बातों पर प्रतिबंध है वह शिक्षा देना और प्राचीन होना है। 1 तिमोथियस 2:12। लेकिन स्त्रियां नबुवत कर सकती है और उन्हें करनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर के वचन को इस तरह बांटना चाहिए जिससे दूसरों को आत्मिक उन्नति, उपदेश और सांत्वना मिले। 1 कुरिन्थियों 14:3। अब हम प्रभु की मेज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। 11:23-24। जब हम प्रभु की मेज के पास आए तो हमें प्रभु की मृत्यु को याद करना चाहिए। हम ये साक्षी देते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपनी देह को तोड़ जाने के लिए दिया और हमें भी ऐसे ही तोड़े जाना है जैसे वह तोड़ा गया था। दूसरा कोई रोटी तोड़कर हमारे मुंह में नहीं रख सकता, क्योंकि दूसरा कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम तोड़े जाना चाहते हैं या नहीं। इस प्रतीक को सही तरह समझने के लिए ये जरूरी है कि वह रोटी हम स्वयं ही तोड़े। हम ये साक्षी भी देते हैं कि हम सब जो इस एक रोटी में से खा रहे हैं एक देह है, मसीह की देह। 10:17। तो ये प्रभु के साथ हमारी वाचा की और हमारे साथी विश्वासियों के साथ संगति की साक्षी है। अगर हमारी ऊपर प्रभु के साथ और हमारे दाएं बाएं साथी विश्वासियों के साथ संगति नहीं है तो हमारा रोटी तोड़ना एक झूठ होगा। अगर हम किसी के प्रति कड़वाहट से भरे हैं तो हमें रोटी नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, आत्मिक रूप में बीमार या शारीरिक रूप में बीमार, और आत्मिक रूप में मर भी सकते हैं। इसलिए रोटी तोड़ने से पहले हमें इन सब बातों में अपना सही न्याय कर लेना चाहिए। 11:30-31। मसीह की देह के निर्माण के लिए दान वरदान। 12 में हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। इन दान वरदानों को एक स्थानीय कलीसिया के कामकाज के साथ जोड़कर देखा गया। मसीह की स्थानीय देह। बहुत से मसीही पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में ये नहीं समझते कि वे हर एक स्थान में मसीह की देह की स्थानिक अभिव्यक्ति का निर्माण करने के लिए है, इसलिए वे भटक जाते हैं। हमें दूसरे लोगों की सेवा एक बेहतर तरीके से कर पाने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में रहना है। 11:5-13। बहुत लोग 12 के पहले अर्धभाग पर जोर देते हैं जो दान वरदानों के बारे में है, लेकिन दूसरे पर नहीं जो मसीह की देह के बारे में है। कई लोग पहले को अनदेखा कर देते हैं और दूसरे पर जोर देते हैं। वे ऐसे ही हैं जो 11 के दूसरे भाग पर जोर देते हैं लेकिन 11 के पहले भाग का उल्लंघन करते हैं, ये कहते हुए कि अब वह हम पर लागू नहीं होता। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के इस्तेमाल को सही तरह समझना चाहते हैं तो आपको उन्हें हमेशा दूसरों की सेवा और एक स्थानीय कलीसिया में
मसीह की देह की स्थानीय अभिव्यक्ति का निर्माण करने के संदर्भ में देखना होगा। 12-13 में पौलुस मसीह की विश्वव्यापी देह पूरे जगत में उसकी कलीसिया के बारे में बात करता है, क्योंकि वह हम शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन 12:27 में वह कुरिन्थियुस में उसी देह की स्थानीय अभिव्यक्ति की बात करता है, क्योंकि वह कहता है, तुम मसीह की देह हो। पवित्र आत्मा के दान वरदान मसीह की देह में बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे हमारी देह में हमारे अंग काम करते हैं। किसी भी अंग को अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, जैसे आंख या कान। अगर सारी देह आंख ही होती तो फिर सुनना कैसे होता? और अगर सारी देह कान ही होती तो फिर सुनना कैसे होता? 12:17 मतलब सब आंखें 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 आंखें, या सब कान 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 कान। एक नाक का भी होना जरूरी है। इसलिए हमें किसी दूसरे के वरदान की लालसा नहीं करनी चाहिए। ये परमेश्वर है जो मसीह की देह में किसी को आंख और किसी को जीभ बनाता है। ये हो सकता है कि वह आपको नाक की तरह एक प्रत्यक्ष अंग न बनाए, बल्कि हृदय, गुर्दा या कलेजा बना दे। लेकिन ये सभी अदृश्य अंग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। हमारी देह के कुछ अंग हमारे पांव के तलवों की तरह सख्त होते हैं और काफी कठोर व्यवहार सह लेते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ अंग बहुत कोमल, निर्बल और संवेदनशील होते हैं और आसानी से घायल हो जाते हैं। अगर हमारी आंख में धूल का एक कण भी चला जाता है तो वह हमें देर तक सताता रहता है। लेकिन अगर हमारे पांव धूल से भरे हो तो भी हमें कोई कष्ट नहीं होता। और हमारी देह के कुछ अंग आकर्षक होते हैं और कुछ इतने आकर्षक नहीं होते, इसलिए हम उन्हें छुपाए रखते हैं। कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नजर के सामने ज्यादा रहते हैं, जैसे कि पुलपिट में रहने वाला प्रचारक। हम कह सकते हैं कि वह जीभ की तरह है, लेकिन देह के ज्यादातर अंग पुलपिट में खड़े नहीं होते। वे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, वे जो प्रचारक के लिए गुप्त में प्रार्थना करते हैं। वे हृदय की तरह है जो पूरी देह में लहू का संचार करता है ताकि मुंह बोलने के लिए खुल सके। दोनों अंगों का समान महत्व है। मुंह तब तक नहीं बोल सकता जब तक हृदय उसमें लहू का संचार नहीं करता। लेकिन अगर मुंह न खुले और वह खाना न खाए तो हृदय मर जाएगा। मुंह हृदय पर और हृदय मुंह पर निर्भर है। इसलिए अपने पास पवित्र आत्मा का चाहे कोई भी दान हो, याद रखिए आपको अपने भाई की जरूरत है और आपके भाई को आपकी जरूरत है। वह भाई हृदय की तरह एक अदृश्य अंग हो सकता है जिसे कोई नहीं देखता और सराहता, और आप आंख या हाथ की तरह एक प्रत्यक्ष अंग हो सकते हैं। आत्मा के बहुत से दान वरदान हैं, लेकिन उनमें कोई स्पर्धा नहीं, सहयोग है। एक प्रेरित हो सकता है और दूसरा नबी। 12:28 एक अन्य भाषाएं बोलने वाला हो सकता है और किसी दूसरे के पास चंगाई का दान हो सकता है। सबकी समान रूप में जरूरत है। किसी को किसी दूसरे के वरदान की जरूरत नहीं है और कोई किसी दूसरे से ये नहीं कह सकता, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप ही कर सकता हूं। 12:21 क्या आपका बाया हाथ कभी आपके दाहिने हाथ से ईर्ष्या करता है? दाहिना हाथ सारे महत्वपूर्ण पत्र लिख रहा होगा और चेक पर हस्ताक्षर कर रहा होगा, लेकिन क्या बाया हाथ कभी ईर्ष्या करते हुए ये कहता है, सारे जरूरी काम तो ये दाहिना हाथ ही करता रहता है, मुझे कभी कुछ ऐसा काम करने को नहीं मिलता,
और फिर मान लीजिए कि एक दिन आपके दाहिने हाथ की हड्डी टूट जाती है और उस पर प्लास्टर चढ़ जाता है, तब क्या बायां हाथ ये कह सकता है, आहा, अब वे सारे काम करने का मुझे मौका मिल गया है। अगर बायां हाथ चेक पर हस्ताक्षर करेगा तो वो आपके हस्ताक्षर जैसा नहीं होगा और बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बायां हाथ असल में क्या कर सकता है? वो ऐसा सब कुछ करेगा जिससे दाहिना हाथ जल्दी स्वस्थ होकर उस चेक पर हस्ताक्षर करने योग्य हो जाए। मसीह की देह को इस तरह काम करना चाहिए। जब आप किसी ऐसे भाई को देखें जिसके पास आपसे ज्यादा दान वरदान हो, तो याद रखें कि आप चाहे बहुत परिश्रम भी करें तब भी आप उसके जैसी सेवकाई खड़ी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह दान उसे परमेश्वर ने दिया है। ये काफी है कि देह का एक अंग दाहिना हाथ ही सारे चेक पर हस्ताक्षर करे। मसीह की देह में जब भी ईर्ष्या से भरी स्पर्धा होने लगती है तो उसका कारण यही होता है कि विश्वासियों ने मसीह की देह को नहीं देखा होता है। कभी कभी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, भाई जैक, मसीह की देह में आप हर समय पवित्रता और संतुलन पर ही क्यों जोर देते रहते हैं? मैं इस द्वारा इसका जवाब देता हूँ। ऐसा क्यों है कि एक गुर्दा सिर्फ लहू की धारा को शुद्ध बनाए रखने के लिए काम करता रहता है और उसके रसायनों को संतुलित करता रहता है, और वो इसके अलावा और कुछ नहीं करता? क्योंकि ये उसका परमेश्वर द्वारा दिया गया काम है। वो देह में होने वाला हर एक काम नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण काम है। अगर आपके गुर्दे काम करना बंद कर देंगे तो आप मर जाएंगे। लेकिन गुर्दा हाथ या मुंह के बिना काम नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे की जरूरत है। सुसमाचार प्रचार मानो ऐसा है जैसे हाथ ने एक आलू लिया और उसे मुंह में डाला, एक अविश्वासी को मसीह में लाया। लेकिन क्या वह काफी है? नहीं। जब एक अविश्वासी मसीह के पास आ जाता है तो उसके बाद किसी दूसरे को अपना काम शुरू करना पड़ता है। आलू को दांत द्वारा चबाया जाना होता है कि फिर वह पेट में जाता है और उसमें अनेक रसायन मिलाए जाते हैं ताकि उसे तोड़ा जा सके। अंततः बहुत सी प्रक्रियाओं में से गुजरने के बाद वो मानवीय देह का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह एक नए विश्वासी को तोड़ना होता है, छोटा करना होता है, नम्र और दीन करना होता है, और उसके लिए तय किए गए काम के अनुसार उसे मसीह की देह में नियुक्त कर देना होता है। इस तरह वो मसीह की देह में एक प्रभावी अंग बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वह आलू मुंह में ही रहता है या पेट में ही रहता है और पचाया नहीं जाता, तो आपको उसे उल्टी करके बाहर निकाल देना पड़ेगा। इसलिए सुसमाचार प्रचारक को मन फिराए हुए व्यक्ति को शिक्षक, नबी और चरवाहे को सौंप देना होगा। इफिसियो 4:11। इनमें से कौन सी सेवकाई की सबसे ज्यादा जरूरत है? हालांकि दान वरदानों का एक अनुक्रम है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, 1 कुरिन्थियों 12:28। फिर भी सभी वरदानों की समान रूप में जरूरत है, इसलिए हम कभी दूसरे की सेवकाई करने की कोशिश न करें, इसके बजाय उनके साथ सहयोग करें। एक बार जब आपको ये महान सत्य नजर आ जाता है तो ये आपको सारी ईर्ष्या, स्पर्धा और अशांति से मुक्त कर देगा। अध्याय 13 अध्याय 12 और 14 के बीच में है। दोनों ही
पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बारे में है। विश्वासी कभी कभी ये भूल जाते हैं। बहुत से विश्वासी जो पवित्र आत्मा के दान वरदानों को अनदेखा करते हैं, अध्याय 13 के बारे में ज्यादा बात करते हैं। वे अध्याय 11 से सीधे अध्याय 13 पर चले जाते हैं और फिर अध्याय 13 से 15 पर पहुंच जाते हैं। वे ये बीच के अध्याय 12 और 14 क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के दान वरदानों के खिलाफ है। पौलुस ने अध्याय 13 इसलिए लिखा कि वह विश्वासियों को यह दिखा सके कि आत्मा के दान वरदानों को ज्यादा अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 12:31 दान वरदानों को प्रेम के बिना इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे बिजली के तार को नंगा छोड़ देना, यानी इलेक्ट्रिक वायर विदाउट इंसुलेशन, जिस पर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, वो मार डालेगा। दान वरदान शक्तिशाली होते हैं और अगर वे प्रेम के बिना इस्तेमाल किए गए तो वे उनके इस्तेमाल करने वाले लोगों को और दूसरे लोगों को भी आत्मिक तौर पर मार डालेंगे। जिन लोगों का काम मुख्य रूप से आत्मा के वरदानों पर आधारित है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि अध्याय 13 पर बहुत चिंतन मनन करें। अगर आपके पास अधिकांश अलौकिक दान वरदान है, चिन्ह चमत्कार, चंगाई, नबुवत और अन्य भाषाएं और बलिदान और बाइबल का भी ज्ञान है, लेकिन अगर ये सारे वरदान परमेश्वर के लिए और दूसरे लोगों के लिए एक उत्साही प्रेम से प्रेरित नहीं हो रहे हैं, तो इन सब दान वरदानों के रहते हुए भी आप परमेश्वर के काम में बिल्कुल निकम्मे साबित हो जाएंगे। प्रेम हमें नम्र और दीन, धैर्यवान, दूसरों का ख्याल रखने वाला, निस्वार्थी, क्षमा करने वाला, 13:4-7, और ये स्वीकार करने वाला बनाएगा कि हमारे पास बहुत से मामलों के बारे में पूरे जवाब नहीं है। 13:12 पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल करते समय जो लोग इन सारे गुणों का प्रदर्शन नहीं करते, वे अभी असल में बच्चे और अपरिपक्व हैं। 13:11 उन्होंने अभी पवित्र आत्मा के वरदानों के इस्तेमाल के बारे में पहला पाठ ही नहीं समझा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये दशा उन बहुत से ऐसे लोगों की है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए होने का दावा करते हैं। अध्याय 14 हमें बताता है कि हमें अन्य भाषाओं और नबुवत के वरदानों का कैसे इस्तेमाल करना है, खास तौर से कलीसिया में। 14:5 में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी तरह अन्य भाषाओं में बात करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी को अन्य भाषाओं में बोलना जरूरी है। अध्याय 7:8 में पौलुस ने यह भी कहा है, मैं चाहता हूं सब मेरी तरह अविवाहित रहें। तो इसका भी अर्थ ये नहीं है कि सभी विश्वासियों के लिए अविवाहित रहना जरूरी है। बहुत से विश्वासी जो 14:5 का उल्लेख करते हैं, वे इसकी तुलना 7:8 से कभी नहीं करते। दोनों ही पदों में पौलुस अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त कर रहा था। वो परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं दे रहा था, लेकिन पौलुस ये समझता था कि सभी मसीही अविवाहित रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, और वो ये भी समझता था कि सभी मसीह अन्य भाषाओं में भी नहीं बोलते हैं। 14:5 से ये स्पष्ट है कि कुरिन्थियुस में सभी विश्वासी अन्य भाषा में नहीं बोलते थे। जब मसीहों पर अन्य भाषाओं में बोलने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है, तो वे स्वयं अन्य भाषाएं बना लेते हैं कि फिर उन्हें अन्य भाषा क्लब में शामिल कर लिया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल का ज्यादातर अन्य भाषाओं में बोला जाना
इसी श्रेणी में आता है। इसका प्रमाण यह है कि इसके बोलने वाले एक ईश्वरीय जीवन में निर्मित नहीं होते, जो असली अन्य भाषाओं की बोली द्वारा किया जाने वाला काम है। 14:4 इसके साथ साथ 14:39 में हमें ये आज्ञा दी गई है, अन्य भाषाएं बोलने वालों को मत रोको। इस मामले में आज मसीही जगत में दो समूह हैं। एक समूह सभी मसीहों से ये आग्रह करता है कि वे अन्य भाषाओं में बोले, और इस तरह वे 14:5 और 12:30 क्या सभी अन्य भाषाएं बोलते हैं इसका विरोध करते हैं। दूसरा समूह सबको अन्य भाषाएं बोलने से रोकता है और इस तरह 14:39 का उल्लंघन करता है। दोनों ही समूह पवित्र शास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं। अध्याय 14 से ये स्पष्ट है कि अन्य भाषाओं में बोलना प्रेरितों द्वारा पिंतेकुस के दिन बोली गई अन्य भाषाओं से भिन्न है। पिंतेकुस के दिन अनुवाद के वरदान की जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रेरित अन्य भाषाओं में बोले थे और सब ने उन भाषाओं का बिना भाषांतर किए उन्हें समझ लिया था। ये हो सकता है कि ये या तो सुनने वालों के सुनने में या प्रेरितों के बोलने में हुआ चमत्कार था, लेकिन 14:5 यहाँ कहता है, एक व्यक्ति का अन्य भाषाओं में बोलने का क्या लाभ अगर वह उसका भाषांतर नहीं कर सकता। अगर वह भाषांतर न कर सकता हो तो उसे भाषांतर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वरना उसे चुप रहना चाहिए। 14:13, 27 और 28 पिंतेकुस के दिन अन्य भाषाएं बहुत सी भाषाएं थी जो सुनने वालों ने तुरंत समझ ली थी, लेकिन यहाँ अध्याय 14 में ये हमारे सोचने समझने वाले अंग मन से अलग हृदय की भरपूरी का उमड़ना छलकना है। ये एक प्रार्थना, एक चुनौती देने वाला शब्द या उत्साहवर्धन हो सकता है। 14:6 इसके अलावा भाषांतर अनुवाद के समान नहीं होता। अनुवाद शब्द दर शब्द होता है, जबकि भाषांतर विचार दर विचार होता है। इस वजह से ही अगर दो अलग अलग विश्वासी एक ही अन्य भाषा के शब्द का भाषांतर करेंगे तो हालांकि उनका संदेश एक ही होगा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति उनके अपने शब्दों में होगी। एक कलीसियाई सभा में ज्यादा से ज्यादा दो या तीन लोगों को एक एक कर अन्य भाषाओं में बोलने की अनुमति दी गई है, और अगर वे अन्य भाषा में बोलते हैं तो उनमें से हर एक अन्य भाषा का किसी न किसी द्वारा भाषांतर होना चाहिए। 14:27 एक कलीसिया जहां लोग एक साथ अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं और जहां उनका भाषांतर नहीं होता, एक ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करती है, और इसलिए ऐसी कलीसिया का मेरे मन में कोई आदर नहीं होगा। आज बहुत सी पिंतेकुस्तियों और करिश्माई कैरिस्मेटिक कलीसियाओं में होने वाले अनेक काम पूरी तरह से पवित्र शास्त्र के विरोध में है, और वे सिर्फ पिछली पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सी कलीसियाएं अन्य भाषाओं में बोलने को प्रतिबंधित करती है, जबकि दूसरी अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करती है। हमें दोनों ही समूहों को अनदेखा करते हुए सिर्फ पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अध्याय 14 स्पष्ट सिखाता है कि कलीसियाई सभा में सबसे प्रमुख वरदान नबुवत का दान है। नबुवत प्राथमिक तौर पर भविष्य बताना नहीं होता। पूरी बाइबल में हर एक नबी के संदेश का मुख्य बोझ मन फिराव और पवित्रता था। पुरानी वाचा का सबसे बड़ा नबी यूहन्ना बपतिस्मा ने कभी भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया। पुरानी वाचा के सारे नबियों ने परमेश्वर के लोगों को मन फिराव के लिए बुलाया,
पुरानी वाचा में और नई वाचा में भी भविष्य बताने की नबुवत बहुत दुर्लभ रूप में है। मुख्य रूप में नबुवत नई वाचा में मनुष्यों को आत्मिक रूप में उन्नत करने, उन्हें उत्साहित करने, उनके सामने चुनौतियां रखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए है, जैसा कि 14:3 में स्पष्ट सिखाया गया है। कलीसियाई सभा में पहले 2 या 3 नबी बोल सकते हैं और फिर दूसरे सभी लोग नबुवत कर सकते हैं। 14वां अध्याय 29 और 31। अध्याय 15 जी उठने के बारे में है। पौलुस कुरिन्थियुस के मसीहों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, मृतकों का जी उठना निश्चित रूप में होगा। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हुआ है, एक दिन उसकी देह अवश्य जी उठेगी और उसे परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। जी उठने और मसीहों के पुरस्कृत होने के दिन हालांकि सभी सच्चे विश्वासी परमेश्वर के राज्य में होंगे, लेकिन सभी समान रूप में महिमा में सहभागी नहीं होंगे। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारों का तेज और है, वरन एक तारे का तेज दूसरे से भिन्न है। मृतकों का जी उठना भी ऐसा ही है। 15वां अध्याय 41 और 42। जो विश्वासी पृथ्वी पर ज्यादा विश्वास योग्य रहे हैं, उनका तेज ज्यादा होगा और जो कम विश्वास योग्य रहे हैं, उनका तेज कम होगा और पूरे अनंत में वह ऐसा ही रहेगा। इसलिए हमें उत्साहित किया गया है कि हम अभी दृढ़ और अटल रहे और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाए। 15:58। अध्याय 16 में हम ये देखते हैं कि पौलुस ने उसके सहकर्मियों को कितनी आजादी दे रखी थी। 16:12 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने अपुल्लोस को कुरिन्थियों के विश्वासियों के पास जाकर वचन की शिक्षा देने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन अपुल्लोस ने अपनी आत्मा में जाने की आजादी महसूस नहीं की। तब पौलुस ने भी अपुल्लोस को ये आजादी दी कि वह जब जाना चाहे तब जाए। ये उस आजादी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो प्रेरिताई का अधिकार होने पर भी हमें मसीह की देह में एक दूसरे को देनी चाहिए। किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अंततः एक ऐसा वचन है जो हम सब के लिए है, तुम जो कुछ करो प्रेम से करो। 16:14। अगर हम इस वचन का पालन करेंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इस तरह हम सब अपनी स्थानीय कलीसिया का निर्माण करने में अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें अपने रोज के जीवन और चर्च के कामकाज के छोटी से छोटी जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने वचन के प्रकाश में रहने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।